हमारे सेवकों को तो ये हो गया, लगता महाराज मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं। थोड़ी देर पहले कह रहे कि बना लो भोजन, और जब भोजन बन गया पूछा ले आए, तो कहते नहीं। मैंने 12 साल को एक अनुष्ठान किया था, उसमें 12 साल के लिए खीर का प्रत्याग कर दिया, जो सबसे स्वाद चीज लगे उसका त्याग करना है। तो 12 साल के लिए मैंने खीर का त्याग कर दिया, नियम नहीं तोड़ा। और 12 साल तक मैंने ऐसी विचित्र तपस्या की, बाद में तो हमारे राधा कृष्ण परिवार के लोग जिनको पता लगा वो रोए, दुखी हुए। वो ये थी कि बिना कहे जो मेरे सामने आ जाएगा उसको मैं खाऊंगा, यदि कोई मुझसे पूछेगा भोजन लिया है तो मैं ना करूंगा, कोई पूछेगा तो ना करूंगा, और बिना पूछे आ गया उसको स्वीकार करूंगा। ये नियम लिया था, इसका भी कारण है, विशेष बात गुप्त बात है। अपने आप ही भोजन सामने आ जाएगा तो उसको प्रसाद पा लेंगे, यदि कोई पूछेगा भोजन करें या भोजन लाएं तो मुझको ना ही करने हैं। ये नियम मैंने 12 साल निभाया, लेकिन ऐसा विचित्र ये नियम था, मेरे जो शिष्य सेवक थे वो सब परेशान रहे कि हम जब भी महाराज जी को भोजन की पूछते ना ही कर देते, लगता है कोई लीवर में खराबी है। मेरे को हॉस्पिटल तक ले गए और मुझको जाना पड़ गया, क्यों? क्योंकि सच बात बतानी पड़ेगी फिर तो, अगर नहीं जाऊंगा तो, और मैं सच बता नहीं सकता, अपने नियम को गुप्त रखना था, जैसे भी गुरु की संत की आज्ञा थी। भोजन का समय, भूख लगी, अरे जब भोजन का समय होगा थाली लगा के ले आओ, लेकिन थाली लगाने से पहले पूछते महाराज भोजन ले आए, मैं कहता नहीं लाना। फिर कहता घंटे बाद देखेंगे, एक घंटे बाद चलो आ जाएगी थाली, लेकिन उससे पहले फिर पूछने जाते हैं, अब एक घंटों का ले आए, मैं कह नहीं लाना। कई बार मेरे पर जाम लगा, महाराज जी नाराज है, कई बार हुआ कि कोई रोग है बता नहीं रहे, हॉस्पिटल भी ले गए, लीवर चेक कराया, वो तो सब ठीक, ना तो डॉक्टर को बता पा रहा हूं ना परिवार वालों को, राधा कृष्ण परिवार जो सेवक लोग हैं। और इस उपासना में मुझको कई कई दिन भूखा रहना पड़ा, लगातार कई कई दिन भूखा। और बाद में जब पूरे 12 साल हो गए, उसके बाद मैंने बताया, और जब मैंने बताया राज तो खुल गया कि क्यों नहीं खाता था, क्यों कई कई दिन भूखा। खुशी तो हुई कि कोई बीमारी नहीं, लेकिन रोई भी खूब, ये सोच कर के हाय हमारे कारण से कितने दिन भूखे रहते थे महाराज, कई कई दिन बाद रोटी खाते थे, है ना? ये स्थिति। कहा महाराज हमको पहले ही बता देते, हम पूछते ही ना हम सीधे भोजन ले आते। हमने कहा यही तो नियम था, इसी का नाम तो तपस्या था। कई कई दिन केवल पानी पी पी के रहता था। अब मुझको तो भूख लगी होती, कोई ना कोई भोजन लेके आएगा, समय भी हो गया, लेकिन क्या करे, जो तपस्या किस्मत मिली क्यों तो करनी है, जो गुरुओं की आज्ञा थी। जो ही भोजन का समय होता, इधर पेट में चूहे कूद रहे हैं, आकर पूछते महाराज भोजन ले आए। गुस्सा भी नहीं करना, मुस्कुरा देना, परेशान। दवाइयां डॉक्टर भी हार गए, कोई चूर्ण दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, मैं क्या करता हूं, सामने देख रहे हैं हल्का सा खा लिया, नहीं तो पास में गमले थे उनमें डाल देता था खोल करके, क्योंकि बीमारी तो कुछ थी नहीं। कई माता कहते ये चीज दो, मुझको भी भूख नहीं लगती, तो उसे भूख खुलेगी, अब क्या बताएं हम। लेकिन इतने खतरनाक नियम को, ऐसी तपस्या को मैंने 12 साल निभा लिया। बाद में आश्रम वाले सब परेशान हुए कि हमारे कारण से आपको कितना भूखा रहना पड़ा, हमको तो बड़ा पाप लगा है। कई बार मैं कहते जल्दी भोजन बनाओ, और भोजन बना दिया, फिर कहते महाराज ले आए। हमारे सेवकों को तो ये हो गया, लगता महाराज मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं। थोड़ी देर पहले कह रहे कि बना लो भोजन, और जब भोजन बन गया पूछा ले आए, तो कहते नहीं। स्वभाव में विकृति आ गई, लोग सोचने लगे कुछ पता नहीं, टेंशन में है महाराज ज्यादा कुछ। कोई कहता कि लीवर खराब हो गया, ना कई बार डॉक्टरों से चेक कराया, लेकिन मैं शांत, कुछ कहना भी नहीं, बताना भी नहीं, नहीं तो नीम टूट जाएगा।
तो मेरी माताओं में ये बात इसलिए बता रहा हूं, मैं कई कई दिन भूखा रहा हूं लेकिन मैंने अपने नियम को तोड़ा नहीं है, 12 साल नहीं भागा गया।